नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई कि केंद्रीय कर्मचारियों की लगने वाली है लॉटरी। सैलरी में जल्द ही होगी 12,960 से 40,968 रुपए तक की बढ़ोतरी। तो दोस्तों, कर्मचारियों की सैलरी में इतनी बढ़ोतरी कैसे और कब होगी, इसके बारे में हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी की। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी और पेंशनों के लिए जरूरी और अच्छी खबर दी है। केंद्र सरकार एक बार फिर से महंगाई दर की हिसाब से केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते और केंद्रीय पेंशनर के महंगाई राहत में बड़ी बढ़ोतरी कर सकती है। इस बढ़ोतरी का लाभ कर्मचारी और पेंशनों के इस महीने यानी जुलाई माह से ही मिलने लगेगा। हालांकि अभी इसका ऐलान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है जबकि पेंशन भोगियों को महंगाई राहत मिलती है। दोस्तों, खबरों के मुताबिक जुलाई में केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता और पेंशन के महंगाई राहत में 6% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर डीए में 6% का इजाफा होता है तो आपकी सैलरी में करीब 41,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 34% की दर से डीए मिल रहा है। अगर जुलाई में सरकार 6% डीए बढ़ाती है तो यह बढ़कर 40% हो सकता है। इससे केंद्रीय कर्मचारी के वेतन में 12,960 रुपये से लेकर 40,968 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। यह अनुमान AICPI इंडेक्स 2022 के लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर जुलाई में डीए में 6% का इजाफा कर सकती है। AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी महीने में यह आंकड़ा 125.1 पर था, वही फरवरी में 125 पर था, जबकि मार्च में यह बढ़कर 126 पर पहुँच गया और अप्रैल में यही आंकड़ा 127.7 अंक पर आ गया है। वहीं मई में इंडेक्स का आंकड़ा 129 पर रहा है। अगर जून में भी इस आंकड़े का इजाफा होता है तो डीए में 6% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये पर देखें तो 40% के हिसाब से सालाना महंगाई भत्ते में कुल इजाफा 12,960 रुपये में होगा। मतलब मौजूदा महंगाई भत्ते के मुकाबले 1,080 रुपये हर महीने बढ़ेंगे। कुल मिलाकर 18,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को सालाना 86,400 रुपये महंगाई भत्ते का भुगतान होगा। वहीं अगर अधिकतम बेसिक सैलरी 56,900 रुपये देखें तो सालाना महंगाई भत्ते में कुल इजाफा 40,968 रुपये का होगा। मतलब मौजूदा महंगाई भत्ते के मुकाबले 3,414 रुपये हर महीने बढ़ेंगे और कुल मिलाकर 56,900 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों के सालाना 273,120 रुपये महंगाई भत्ते का भुगतान होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।